वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। जी बिल्कुल, मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी, व्हाट इज हिंदुइज्म, ए रिलीजन आर वे ऑफ लाइफ। चलिए जी, हिंदुइज्म के स्टडी है, बहुत ही रिकमेंडेशन थी इस वीडियो की। चलिए मिलके देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिव्यू। हमारे रिव्यूज को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हिंदुइज्म अ हिस्ट्री। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। हिंदुइज्म दोस्तों एक ऐसा रिलीजन है जो हजारों सालों से जीवित है, एक ऐसा ट्रेडिशन जिसने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जन्म लिया और यहां के कल्चर को शेप किया। हिंदुइज्म सिर्फ एक रिलीजन ही नहीं बल्कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस की इंटेग्रल पहचान भी है। लेकिन दोस्तों, हिंदुइज्म एक ऐसा शब्द है जिसे खुद को हिंदू कहने वाले भी अक्सर पूरी तरह नहीं समझते। कोई इसे रिलीजन कहता है तो कोई इसे एक वे ऑफ लाइफ बताता है। आखिर हिंदुइज्म का सही मतलब है क्या? अपनी इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि हिंदुइज्म कैसे वे ऑफ लाइफ की तरह शुरू होकर एक रिलीजन के फॉर्म में डिवेलप होता है। दोस्तों, हिंदुइज्म दुनिया के सबसे पुराने रिलीजन्स में से एक है। इसकी शुरुआत कब हुई, इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं मिलता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह 4000 सालों से भी पुराना है। आज दुनिया के लगभग हर कोने में हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, जिनमें से 90% इंडिया को बिलोंग करते हैं। फॉलोअर्स के मामले में लगभग 900 मिलियन फॉलोअर्स के साथ हिंदुइज्म क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बाद तीसरा सबसे बड़ा रिलीजन है। इसी के साथ साथ संस्कृत लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जुड़ती है जो इसी के साथ ग्रो हुई और जिसने हिंदुइज्म के बिलीफ सिस्टम्स को स्प्रेड करने में इंपॉर्टेंट योगदान दिया। माना जाता है कि प्रोटो इंडो आर्यन और प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस भी संस्कृत से ही डिवेलप होती हैं। आइए सबसे पहले हिंदू शब्द के ओरिजिन को समझते हैं। ओरिजिन्स ऑफ द वर्ड हिंदू। दोस्तों, हिंदू शब्द नॉर्दर्न इंडिया में फ्लो होने वाली रिवर इंडस से डिराइव हुआ है। एंशियंट टाइम्स में इस रिवर को सिंधु नाम से जाना जाता था, लेकिन जब पर्शियंस का माइग्रेशन इंडिया में होता है तो वो इसे हिंदू कहते हैं और यहां के लैंड को हिंदुस्तान और रहने वाले लोगों को हिंदू उसका नाम देते हैं। इस तरह हिंदू शब्द को पहली बार 6th century BCE में पर्शियंस ने यूज किया था। उस समय हिंदुइज्म शब्द एक कल्चरल से ज्यादा जियोग्राफिकल लेबल हुआ करता था। आगे चलकर इसे हिंदूज की रिलीजियस प्रैक्टिसेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाने लगा। रिलीजियस बिलीफ्स को डिफाइन करते हुए हिंदुइज्म शब्द का रेफरेंस पहली बार 7th century CE के एक चाइनीज टेक्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न रीजन्स बाय श्वांगजांग में मिलता है। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स को डिस्क्राइब करने के लिए इंग्लिश टर्म हिंदुइज्म का यूज इतना पुराना भी नहीं है। कहा जाता है कि इसे पहली बार 1816-17 में राजा राम मोहन रॉय ने यूज करना शुरू किया था। इसके बाद 1830 के अराउंड ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को अपोज करने और खुद को बाकी रिलीजियस ग्रुप से अलग दिखाने के लिए इंडियंस ने हिंदुइज्म को अपना रिलीजन बताना शुरू कर दिया था। ये वही समय था जब हिंदुस्तानी अपनी आइडेंटिटी के लिए सोल सर्चिंग कर रहे थे। ये तो बात हुई हिंदू और हिंदुइज्म शब्द के ओरिजिन की, लेकिन शब्द यानी कि टर्म तो बाद में आया था। इससे जुड़े बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस का ओरिजिन और भी पुराना है। हाउ डिड हिंदुइज्म स्टार्ट? दोस्तों, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की तरह हिंदुइज्म का कोई सिंगल फाउंडर नहीं है और इसका ओरिजिन रिकॉर्डेड हिस्ट्री से भी पुराना समझा जाता है। हिंदूज अपने रिलीजन के लिए सनातन धर्म टर्म यूज करते हैं जिसका मतलब है इटर्नल फेथ, यानी कि ऐसा धर्म जो हमेशा से है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जो या तो हिंदुइज्म का पार्ट है या उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। उदाहरण के तौर पर यहां मिलने वाली प्रोटो शिवा सील, मदर गॉडेस को रिप्रेजेंट करने वाली टेराकोटा फिगरीन्स, स्वास्तिकास, लिंगास, सीक्रेट एनिमल्स की इमेजेस एटसेट्रा आज हिंदुइज्म का एक पार्ट है। इसलिए यह माना जाता है कि किसी ना किसी फॉर्म में हिंदुइज्म उस समय से एग्जिस्ट कर रहा था। ऑर्गेनाइज्ड तौर पर हिंदुइज्म की शुरुआत वैदिक कल्चर से मानी जाती है,
क्योंकि इसी समय हिंदूज के सीक्रेट टेक्स्ट वेदास का ओरिजिन हुआ था, यानी कि हिंदुइज्म का फर्स्ट लिटरेरी एविडेंस हमें वैदिक पीरियड में मिलता है। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि हिंदुइज्म का ना तो कोई फाउंडर था और ना ही कोई डेफिनेट डेट है इसकी शुरुआत की। लेकिन कुछ कोर बिलीव्स हैं जो हिंदुइज्म को डिफाइन कर सकते हैं, आइए जानते हैं कोर बिलीव्स। दोस्तों, हिंदुइज्म एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं है और किसी सिंगल सिस्टमैटिक अप्रोच से इसके वैल्यू सिस्टम को नहीं समझा जा सकता, और ना ही 10 कमांडमेंट्स की तरह हिंदूज के पास कोई सिंपल सेट ऑफ रूल्स हैं। हिंदुइज्म के बिलीव्स अक्सर लोकल, रीजनल, कास्ट और कम्युनिटी ड्रिवन प्रैक्टिसेस से इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बिलीव्स हैं जो सभी वेरिएशंस में कॉमन कहे जा सकते हैं, इन्हें ही हम कोर बिलीव्स कह रहे हैं। इसमें सबसे पहले आता है एक सुप्रीम बींग में विश्वास, जिसे हिंदुइज्म में ब्राह्मण कहा गया है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म, सोल यानी कि आत्मा, रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म और मोक्ष हिंदुइज्म के सेंट्रल बिलीफ सिस्टम का पार्ट है। सोल या आत्मा का कॉन्सेप्ट कहता है कि सभी लिविंग क्रीचर्स में आत्मा होती है, जो कि ईश्वर का ही अंश होती है। कर्म का कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार लोगों के एक्शंस ही उनकी प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ को डिटर्मिन करते हैं। हिंदुइज्म में लाइफ के 4 मेन एम्स बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति के बाद साइकिल ऑफ बर्थ्स का एंड हो जाता है और आत्मन सुप्रीम सोल में मिल जाती है। योग, जिसका अर्थ है यूनियन विद गॉड, भी हिंदुइज्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोगों को दुनिया भर में हिंदुइज्म का पता हो ना हो, पर योग का जरूर पता होता है। 2015 से जब से हर साल इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, तब से ये और फेमस हुआ है और लोगों को इसके रियल वर्ल्ड बेनिफिट्स फॉर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग भी समझ आ रहे हैं। आइए अब हिंदुइज्म के मेजर गॉड्स और सीक्रेट टेक्स्ट्स की बात करते हैं। मेजर गॉड्स, सीक्रेट टेक्स्ट्स एंड डिफरेंट सेक्ट्स। दोस्तों, हिंदू वैसे तो एक सुप्रीम बींग में विश्वास करते हैं। सुप्रीम बींग यानी कि ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट एक फॉर्मलेस गॉड, अल्टीमेट रियलिटी या ओमनी प्रेजेंट एनर्जी की तरह है। इसी के साथ साथ हिंदुइज्म में कहा गया है कि इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। यहीं से पॉलीथियज्म का कॉन्सेप्ट आता है। हिंदुइज्म के अनुसार सब कुछ ईश्वर का ही एक अंश है और ये फॉर्म्स एंड अवतार्स मनुष्यों का भला करने के लिए लिए जाते हैं। इसी के साथ साथ हिंदू नेचर वर्शिप भी करते हैं। हिंदुइज्म में प्लांट्स से लेकर एनिमल्स तक सबकी पूजा होती है। नेचर वर्शिप करने के पीछे साइंटिफिक रीजंस भी हैं, जैसे कि हिंदुइज्म में बैनियन ट्री की वर्शिप का कॉन्सेप्ट है, और हम सभी जानते हैं कि ये ट्री 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। यानी कि हिंदुइज्म के फॉलोअर्स भी इस ट्री की इंपॉर्टेंस को जरूर समझते थे। इसी तरह मेडिसिनल वैल्यू वाले तुलसी प्लांट, आमला यानी कि इंडियन गूसबेरी जैसे ट्रीज को भी पूजा जाता है। कोरोना के समय जब विटामिन सी को अच्छे से लेने की सलाह दी गई, तब हम सब ने आमला का सेवन और शुरू कर दिया। आयुर्वेद इसे सुपर फूड बुलाता है और हमें हर रोज इसे लेने की सलाह भी देता है। इसके अलावा वैदिक पीरियड में जहां इंद्र को मेजर गॉड की तरह पूजा जाता था, वहीं लेटर पीरियड में ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट डिवेलप होता है। इसके अनुसार 3 मेजर गॉड्स हैं, ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर एंड शिवा द डिस्ट्रॉयर। हिंदुइज्म में फेमिनिन एनर्जी को भी वर्शिप किया जाता है। इसे गॉडेस शक्ति माना गया है और किसी दूसरे मेजर रिलीजन में गॉड को फेमिनिन फॉर्म में वर्शिप करने का कॉन्सेप्ट नहीं दिखता। इसके अलावा मल्टीपल गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं जिन्हें अलग अलग एट्रीब्यूट से जोड़ा जाता है, जैसे कि लॉर्ड गणेशा को रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स यानी कि विघ्नहर्ता कहा गया है, तो देवी सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज। जिस तरह हिंदुइज्म का कोई सिंगल फाउंडर नहीं है, ठीक उसी तरह बाइबल या कुरान के जैसे कोई सिंगल बुक भी हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट नहीं करती, बल्कि मल्टीपल टेक्स्ट्स हैं जो हिंदुइज्म में सीक्रेट माने गए हैं। इसमें सबसे पुराने हैं 4 वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हिंदू मान्यता के अनुसार वेदास इटर्नल ट्रूथ को रिप्रेजेंट करते हैं और खुद ईश्वर ने इन्हें सेजेस यानी ऋषिज को रिवील किया था। इसके अलावा उपनिषद्स,
पुराणस, एपिक्स रामायण एंड महाभारत और भागवत गीता हिंदूज की मेजर होली बुक्स हैं। बाकी रिलीजन्स की तरह हिंदूज के भी डिफरेंट सेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसमें चार मेजर सेक्ट्स हैं, वैष्णव, शैव, शक्त और समर्थस। वैष्णव लॉर्ड विष्णु को वर्शिप करते हैं, शैव लॉर्ड शिवा को और शक्त देवी शक्ति को। वहीं समर्था ट्रेडिशन में फाइव डेटीज को एक सुप्रीम बीइंग का पार्ट मानकर वर्शिप किया जाता है। इनके अलावा और भी बहुत सारे सेक्ट्स और सब सेक्ट्स हिंदुइज्म का पार्ट हैं। हिंदुइज्म में मल्टीपल सेक्ट्स का डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इनके डेवलपमेंट में कोई हिंसा यानी वायलेंस देखने को नहीं मिलती। सभी सेक्ट्स एक दूसरे के साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट करते आए हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि सभी हिंदू सेक्ट्स के कोर बिलीफ्स सेम ही हैं और फिलोसॉफिकल बेसिस पर ये एक दूसरे को काउंटर नहीं करते। एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को सेक्ट्स रेडिली एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि टॉलरेंस हिंदुइज्म का एक कोर बिलीफ है। ये तो बात हुई हिंदूज के रिलीजियस बिलीफ्स, उनके गॉड्स और मेजर टेक्स्ट्स की। अब हिंदुइज्म के साथ इवॉल्व हुए सोशल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ हिंदू सोशल सिस्टम्स। दोस्तों, हिंदुइज्म में सोशल ऑर्डर की फाउंडेशन वर्ण सिस्टम से बनती है। वर्ण सिस्टम का ओरिजिन ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। इसके अनुसार सोसाइटी को चार वर्णज में डिवाइड किया गया है, ब्राह्मण्स, क्षत्रियज, वैश्यज और शूद्रज। ये डिविजन कर्म के बेसिस पर किया गया था, जिसमें इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में काम करने वालों को ब्राह्मण कहा गया, पब्लिक को प्रोटेक्ट करने वाले यानी कि वॉरियर क्लास को क्षत्रियज, स्किलफुल प्रोड्यूसर्स को वैश्यज की कैटेगरी में रखा गया और अनस्किल्ड लेबरर्स को शूद्रज बोला गया। लेकिन आगे जाकर यह सिस्टम रिजिड होने लगा और बर्थ के बेसिस पर डिविजन शुरू हो गया। इसके अलावा बहुत सी क्लासेस को वर्ण सिस्टम से बाहर रखा जाने लगा और उन्हें अनटचेबल्स मान लिया गया। इन्हें केवल मीनियल जॉब्स करने की अनुमति दी जाती थी। उसके बाद वर्णज में भी सब डिविजन होने लगे और कास्ट सिस्टम यानी कि जातीज का डेवलपमेंट शुरू हो गया था, जिसकी वजह से सोशल सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया। इसके साथ ही लोअर वर्णज और अनटचेबल्स के साथ इनइक्वालिटी का बिहेवियर किया जाने लगा। इन सब ईवल प्रैक्टिसेस ने सोसाइटल फैब्रिक को कमजोर कर दिया। सभी वर्णज के लिए अलग अलग सोशल रूल्स के साथ ही डिफरेंट रिलीजियस रिचुअल्स भी प्रिस्क्राइब कर दिए गए थे। इसकी वजह से हिंदुइज्म एक कॉम्प्लेक्स सोशल ऑर्डर नजर आने लगा था। इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ही 6th सेंचुरी बीसी में बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस पॉपुलर होने लगते हैं। एक वक्त पर बुद्धिज्म और जैनिज्म का दबदबा पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हो जाता है और हिंदुइज्म कुछ हद तक डिक्लाइन होता दिखता है। लेकिन एक बार फिर हिंदुइज्म को रिवाइव करने का काम भी शुरू होता है। रिवाइवल एंड रिफॉर्म इन हिंदुइज्म। दोस्तों, इतना पुराना रिलीजन होने के बाद भी हिंदुइज्म आज तक सरवाइव कर रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि समय समय पर हिंदुइज्म में रिफॉर्म्स लाए गए और इसे रिवाइव किया जाता रहा। फिर चाहे वो 7th से 8th सेंचुरी के बीच शुरू हुए साउथ इंडियन भक्ति मूवमेंट के द्वारा किया गया हो या फिर अलग अलग आचार्यज के द्वारा। भक्ति मूवमेंट के दौरान अलवर्स और नायनार सेंट्स ने रिजिड कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया, साथ ही रिचुअल्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी सिंप्लीफाई करने का काम किया। उनके प्रयासों से ही हिंदुइज्म बुद्धिज्म और जैनिज्म से मिल रहे चैलेंजेस को मात दे पाता है। इतना ही नहीं, हिंदुइज्म समय के साथ लोकल कल्ट्स और डेटीज को भी अब्सॉर्ब कर लेता है। फिर बात चाहे नागा कल्ट की हो, यक्ष यक्षिणी कल्ट की या फेमस जगन्नाथपुरी की, जिन्हें ट्राइबल डेटी माना जाता है, धीरे धीरे सब हिंदू पैंथियन का हिस्सा बन जाते हैं। यहां तक कि बुद्ध को भी विष्णु का एक अवतार बताया जाता है। ये स्ट्रैटेजी भी हिंदुइज्म के सर्वाइवल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हिंदुइज्म को रिवाइव करने की बात हो और आदि शंकराचार्य का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शंकराचार्य ने 8th सेंचुरी AD में हिंदुइज्म को रीऑर्गेनाइज और रिफॉर्म करने का काम किया। इन्होंने अद्वैत फिलॉसफी को पॉपुलराइज किया, जिसके अनुसार सिर्फ ब्राह्मण ही सत्य है और बाकी सारा संसार बस उसकी ही माया है।
शंकराचार्य हिंदू फिलॉसफी को पॉपुलराइज करने के लिए पूरे इंडिया में ट्रैवल करते हैं। इस दौरान अलग अलग थिंकर्स के साथ वो डिबेट्स और डिस्कोर्सेज में भाग लेते हैं। इन्होंने इंडिया के फोर कॉर्नर्स में मॉनेस्ट्रीज एस्टैब्लिश की थी, जिन्हें मठस या पीठस कहा जाता है। श्रृंगेरी में शारदा पीठ, द्वारका में कलिका पीठ, बद्रिकाश्रम में ज्योति पीठ और जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ की स्थापना की गई। इन्हें हिंदुइज्म के चार धाम कहा जाता है। इस तरह उन्होंने ज्योग्राफिकली भी हिंदुइज्म के फॉलोअर्स को जोड़ दिया था। इन्होंने पंचायतन फॉर्म ऑफ वर्शिप को भी पॉपुलराइज किया, जिसमें पांच डेटीज गणेश, शिव, विष्णु, सूर्य और देवी की एक साथ पूजा की जाती है। इसमें कहा गया है कि ये सभी सुप्रीम बीइंग यानी कि ब्राह्मण के ही अलग अलग फॉर्म्स हैं। इस तरह शंकराचार्य ने डिफरेंट सेक्ट्स को भी यूनाइट किया। इसके अलावा हिंदू स्क्रिप्चर्स को भी इन्होंने सिंप्लीफाई किया। शंकराचार्य ने वेदस, उपनिषद्स, पुराणस जैसे रिलीजियस टेक्स्ट्स पर कॉमेंट्रीज लिखकर इनकी टीचिंग्स को एक बार फिर से जीवित करने का काम किया था। शंकराचार्य के बाद रामानुजा, माधवाचार्य जैसे सेंट्स ने भी हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने में अपना योगदान दिया। इसके बाद मिडिवल पीरियड में जब इस्लाम ने हिंदुइज्म को चैलेंज करना शुरू किया, तो निर्गुण और सगुण भक्ति सेंट्स ने हिंदुइज्म को पॉपुलर बनाए रखा। इसमें रामानंद, कबीर, नानक, मीराबाई, तुलसीदास जैसे सेंट्स का योगदान रहता है। अगर मॉडर्न पीरियड की बात करें तो राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जैसे रिफॉर्मर्स ने हिंदू ग्लोरी को एक बार फिर से रिवाइव किया था। 19th सेंचुरी में इन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स की वजह से क्रिश्चियन मिशनरीज हिंदूज को कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा सफल नहीं रहते, जिस तरह की सफलता इन्हें अफ्रीका या दूसरी कॉलोनीज में मिली थी। इंडिया में वैसी सफलता देखने को नहीं मिलती। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में जाकर वर्ल्ड स्टेज पर हिंदुइज्म की फिलॉसफी को पॉपुलराइज किया। स्वामी जी की स्पीच पर कमेंट करते हुए एक अमेरिकन न्यूज़पेपर ने लिखा था कि ऐसे रिच रिलीजियस ट्रेडिशन वाले देश में क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजने की क्या जरूरत है। इस तरह रेगुलर इंटरवल्स पर हिंदुइज्म में रिफॉर्म मूवमेंट्स होते रहे हैं। हिंदू फिलॉसफी में कहा भी गया है कि जब जब धर्म संकट में आता है, तब तब उसकी रक्षा के लिए खुद ईश्वर अवतार लेते हैं। इसलिए ये रिफॉर्म मूवमेंट्स हिंदू फिलॉसफी द्वारा भी जस्टिफाई किए जा सकते हैं। हिंदुइज्म इटर्नल रहा है क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है और इसमें खुद को नया बनाने की एबिलिटी भी दिखती है। अथर्ववेद में सनातन वर्ड का एक्सप्लेनेशन भी कुछ इसी तरह है। सनातनम एनम अहुह उत अद्याह स्यत पुनर्नभ, मीनिंग They proclaim him to be eternal, but he may become new again even today. Hinduism का सबसे unique feature है इसकी diversity. Different level पर variations और diversity होते हुए भी ये unity को कैसे represent करता है, ये समझने की जरूरत है. How Hinduism encompasses the concept of unity in diversity. दोस्तों, Hinduism में असंख्य देवी देवताओं का concept है। मल्टीपल रिलीजियस टेक्स्ट हैं, अलग अलग सेक्ट्स भी इसका पार्ट हैं, साथ ही रिचुअल्स और बिलीफ्स में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इस सब के बाद भी हिंदुइज्म अपने फॉलोअर्स को यूनाइट करता है, क्योंकि हिंदू फिलॉसफी इतनी फ्लेक्सिबल है कि सभी व्यूज को इसने एक्सेप्ट किया है। हिंदुइज्म में मान्यता है कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबकी मंजिल एक ही है। हिंदुइज्म तो बाकी रिलीजन्स को भी सत्य ही मानता है। इसमें कहीं भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि हिंदुइज्म के अलावा जो रिलीजन्स हैं वो ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग नहीं हो सकते। इसी वजह से हिंदुइज्म को एक टॉलरेंट रिलीजन भी बोला जाता है। लेकिन टॉलरेंट शब्द इस कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि हिंदूज न सिर्फ दूसरे रिलीजन्स का सम्मान करते हैं, बल्कि उन्हें भी हिंदुइज्म की बराबरी पर ही रखते हैं। इसलिए हिंदुइज्म में फोर्स्ड कन्वर्शन का कॉन्सेप्ट भी नहीं आता। हिंदुइज्म की हिस्ट्री में कभी भी दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट धर्म के नाम पर वॉर नहीं हुए हैं। फिर चाहे वो वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी हो, जिसके अनुसार पूरा विश्व एक ही फैमिली माना जाता है, या फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे हिम्स,
हिंदुइज्म हमेशा ही सबके कल्याण की बात करता आया है। हिंदुइज्म में संपूर्ण मानव जाति के इक्वल वर्थ का भी कॉन्सेप्ट है। ये हमें इस एंशंट हिम से साफ पता चलता है। अज्येष्ठसु अकनिष्ठसु इति संभ्रात्रो वहादुहु सौभाग्यः, जिसका मतलब है कि नो वन इज सुपीरियर, नन इन्फीरियर, ऑल आर ब्रदर्स मार्चिंग फॉरवर्ड टू प्रॉस्पेरिटी। यही वजह है कि आप चाहे शिव की पूजा करते हों या कृष्ण की, या फिर देवी के भक्त हों, या शायद किसी की पूजा ही ना करते हों, लेकिन फिर भी आप खुद को हिंदू कह सकते हैं। हिंदू होने के लिए ना तो किसी एक भगवान की वर्शिप करना कंपल्सरी है और ना ही किसी मंदिर में जाना। यहां तक कि किसी एंशंट स्क्रिप्चर की स्टडी करना भी मैंडेटरी नहीं है। हिंदुइज्म तो सबको अपना मानता है। अगर आप खुद को हिंदू मानते हो तो आप एक हिंदू ही हो। फिर चाहे कितनी भी डाइवर्सिटी आ जाए, हिंदुइज्म आपको उसके 900 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ यूनाइट कर ही देता है। कंक्लूजन। दोस्तों, जैसे हमने देखा कि बाकी रिलीजन्स की तरह ना तो हिंदुइज्म के पास कोई सिंगल फाउंडर है, ना कोई सिंगल टेक्स्ट और ना ही कोई सिंगल गॉड। इसीलिए इसे ट्रेडिशनल रिलीजन की डेफिनेशन में समझ पाना मुश्किल होता है। एक रिलीजन से ज्यादा ये अ वे ऑफ लाइफ की तरह डिवेलप होता है। लेकिन समय के साथ दूसरे रिलीजन्स का डिवेलपमेंट शुरू होता है और ये सभी हिंदू वे ऑफ लाइफ को चैलेंज करते हैं। इन्हीं को काउंटर करने के लिए और इनके कॉम्पिटिशन में हिंदुइज्म एक रिलीजन की फॉर्म लेने लगता है। हिंदू परंपरा के अनुसार अपने धर्म को सनातन धर्म कहा गया है और धर्म शब्द की परिभाषा रिलीजन से अलग भी बताई जाती है। धर्म का मतलब एक सेट ऑफ रूल्स माना गया है और सनातन धर्म का मतलब हुआ ऐसे रूल्स जो हमेशा ही वैलिड रहते हैं। बाकी रूल्स एंड लॉज तो समय और कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो हमेशा चलता रहे वही है सनातन धर्म। दोस्तों, हिंदुइज्म को एक वीडियो में समझा पाना तो नामुमकिन जैसा टास्क है। फिर भी हमने कोशिश की है कि आपको हिंदुइज्म की मूल बातों से परिचित कराया जाए। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था व्हाट इज हिंदुइज्म, ए रिलीजन आर ए वे ऑफ लाइफ। तो हिंदुइज्म के बारे में जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि जो हिंदुइज्म है वो वे ऑफ लाइफ है, जो हमारा धर्म है वो सनातन है। अब ये कब से शुरू हुआ, ये इनका बिलीव है कि ये दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और ये धर्म उस वक़्त से है जब से तारीख और तारीख दानों के पास भी इसकी मुकम्मल और सही जानकारी भी मौजूद नहीं है, जब से ये धर्म है। ये बहुत सारी देवी देवताओं पर यकीन रखने वाले लोग हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं इनमें जो कि एक ज़िंदगी गुजारने के तरीके और उस पर किस तरह से बिलीव रखते हैं, ये उन सारी चीज़ों के बारे में है। दूसरा, ये भी कई किताबें वेद और दूसरी इनकी कौन सी किताब है यार, गीता और वेद, इस तरह की किताबें हैं इनके पास जिन पे ये एक पूरा एक विश्वास रखते हैं और उसी के मुताबिक ये लाइफ को गुजारने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदू रिलीजन, ये हिंदू धर्म में लोग बहुत सारे देवी देवताओं के साथ नेचर की भी पूजा करते हैं और नेचर और हर चीज़ को अपने ईश्वर का ही एक मानते हैं कि हर जगह पे वही है, उसके बहुत सारे रूप हो सकते हैं और कुछ इस तरह का ही बिलीव रखते हैं। तो आज के दौर में अगर हिंदू और हिंदुइज्म और इस चीज़ पे अगर बात की जाए तो हिंदू सिर्फ धर्म, वो लफ्ज़ कहाँ से निकला, और इनका धर्म सनातन है जो हमें जानकारी मिली, और हिंदुइज्म एक वे ऑफ लाइफ है कि ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है और किस तरह से हिंदू अपनी लाइफ को गुजारते हैं। बिल्कुल जी, और देखें कि जो भी आप देखें वे ऑफ लाइफ उन्होंने अपने धर्म के बारे में, एक हिंदुइज्म के बारे में एक बेहतरीन वीडियो थी जो शॉर्ट वीडियो उन्होंने बनाई है, उसके अंदर उन्होंने बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो है ना वो लफ्ज़ हिंदू है, वो सिंधु से हिंदू निकला और फिर वहाँ से वो हिंदुस्तान के लिए इस्तेमाल होता रहा,
पहले वो बताते वहाँ से निकला, फिर वो आगे आगे बताते 18th century के अंदर जो है ना वो वहाँ पे जो राजा है उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। तो ये मुख्तलिफ रवायात हैं, मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं। और ये देखिए कि ये रिलीजन जो है ना, ये जो खित्ता जो है, जो यहाँ पे जो हिंदुस्तान है बरसगीर है, ये एक कदीम खित्ता है यहाँ पे। और ये इसके जो आसार हैं, जो इनकी संस्कृति है या जो इनके जो भाषा है, जो इस सारी की सारी हिंदुस्तान की जो वहाँ पे है, वो सारी की सारी बहुत ओल्ड है, बहुत पुरानी है। और ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये कुछ चीज़ें हैं जो ऐसे देखें, अब हम इस्लाम के मानने वाले हैं और हम समझते हैं कि आदम से हवा, हवा से उनकी नस्ल चली और आज तक वो चलती जा रही है। बिल्कुल। अब आदम और हवा का कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में भी है। कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई इस बारे में, तो उन्होंने बताया कि जो आदम, हवा और आगे जो उनकी जो जिन्हें हम हबील और कबील कहते हैं, इनके इन्होंने अलग अलग से नाम रखे हुए हैं, लेकिन मानते ये भी उन्हीं को हैं कि वहाँ से ही हमारी भी नस्ल शुरू हुई। और वहाँ से हमारा जो मानना यह है कि जब इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम से ही शुरू हुआ, अल्लाह के नबी थे उनके, फिर नूह, उन बहुत सारे अम्बिया से आते आते जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी थे, वहाँ पर इस्लाम मुकम्मल हुआ। अब जो दुनिया में फॉलो हो रहा है ये वही इस्लाम है। लेकिन जो हिंदुइज़्म है ये भी कहते हैं कि ये इस्लाम के आने से भी पहले से है। और कुछ चीज़ें इस्लाम और हिंदुइज्म में मुश्तरक हैं कि यही कि जो हम समझते हैं कि जो इस्लाम को फॉलोवर करने वाले थे वो कभी ना कभी कन्वर्ट हुए और फिर वो हिंदुइज्म का शिकार, हिंदुइज्म की तरफ मायल हुए, फिर उन्होंने बुतों की पूजा शुरू कर दी, फिर उनके लिए कोई नबी उतरा उन, और फिर वो कुछ पैरोकार इस्लाम पे आ गए और कुछ हिंदुइज्म पे रहे, और ऐसे ही ये सिलसिला चलता हुआ आज तक यहाँ तक पहुँचा है। बिल्कुल। जब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में आए थे तो उस वक्त भी वहाँ पे जो है ना बुतों की पूजा की, काबा में काबा के अंदर बुत थे। तो यही सारी चीज़ें आप देखें कि वहाँ से बुत खाने से जो है ना एक दीन निकलता है और वो दुनिया का दूसरा बड़ा जो है ना वो दीन बन। और एक बात और है कि दूसरे के धर्म के बारे में सही तरह से, अब कोई इस्लाम के बारे में बात करेगा तो उसे सही तरह से नहीं पता हो सकता जिस तरह से हमें पता हो सकता है। अब हिंदू सनातन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो जिस तरह को आप उसको फॉलो करने वाले, क्योंकि उसको आप हर एक चीज़ के बारे में बेहतरीन नॉलेज रखते हैं, आपको पता होगा, और उस तरह से हम नहीं उसको समझ सकते और ना ही उसको जो हम समझे हैं उसको हम सही तरह से समझा भी नहीं पा रहे कि हम क्या समझे हैं और क्या नहीं समझे। बिल्कुल। तो यही सारी चीज़ें हैं कि हो सकता है कि हम देखें, मैं अपनी तरफ से जो बात करता हूँ, मैं एक मिसाल के तौर पर मिसाल देता हूँ कि मैं अपने पाकिस्तानियों से बात करता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि देखें वो गैर मजहब होकर भी जो है ना वो तरक्की कर गए और हम मुसलमान होकर भी, तो हमारे बहुत सारे व्यूवर्स कहते हैं देखें आप हमें गैर मजहब भी कहते हैं और आप इंसानियत की बात भी करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम मजहब के ऊपर जो है ना हिंदुइज्म को हमने देखा, उसको जानने की कोशिश की, वो बिल्कुल एक जो है ना सिंपल वे में अगर बात करें तो मैं कहूंगा कि जो हिंदू लोग हैं, जो सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे संस्कारी लोग हैं, ये मोहब्बतें बांटते हैं, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते और जो सच बोलते हैं और उसी तरह से ही अपनी लाइफ को फॉलो करते हैं जिस तरह हम समझते हैं कि हमें इस्लाम के बारे में जो चीज़ें सिखाती हैं, जो कही जाती हैं कि ये चीज़ें आपने फॉलो करनी फिर ही आप अच्छे मुसलमान बन सकते हो, तो वही चीज़ें हम देखते हैं कि जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं वही उनका भी तरीकाकार है, बल्कि वो उस पर ज़्यादा अमल पैरा है बनिस्बत हमारे, क्योंकि हम उन सब चीज़ों को भूल चुके हैं जो हमें हमारे दीन ने सिखाया था। लेकिन जो हिंदू लोग हैं, जो सनातन के फॉलोअर हैं, वो आज भी उस पर कायम है और उनके धर्म में ये भी मानना है कि वो कभी किसी पहले किसी पे हमला नहीं करते, वो सिर्फ अपने दिफा में ही जो तलवार है या मैदान जंग में जाते हैं जैसे भी, तो अपने दिफा के लिए ही जाते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, मज़ा आया वीडियो को देख के। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, अगर कहीं लफ्ज़ों में शब्दों में गलती हुई तो उसके लिए माजरत, और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।